आज अपन सुंदा माता मंदिर जालौर जिले के अंदर जसनपुरा के पास में सुंदा माता मंदिर के तलहटी में खड़े हैं और आप देखिए विशाल बाजार। आज की तारीख में यहाँ पर भोजन को लेकर के सभी प्रकार की क्वालिटी और वो भी ट्रस्ट के द्वारा इनके दाम बिल्कुल निर्धारित है। यहीं से अपनी यात्रा का प्रारंभ करते हुए जैसे इससे आगे निकलते हैं सुंदा माता का एक जो है प्रमुख गेट कहिए या पहला द्वार कहिए जहां से अपन सुंदा माता की यात्रा का शुभारंभ करेंगे, इसके अंदर का सुरमय गार्डन अपने आप में कश्मीर की वादियों की याद दिलाता हुआ सा प्रतीत होता है। ये पहला आकर्षण है जो सुंदा माता मंदिर की तरफ हमें आकर्षित करता है और उसके साथ में पहाड़ियों की शिलाएं। और इस गार्डन के अंदर ये जो अपन प्रतिमाएं देख रहे हैं ये मालवाड़ा के ठाकुर साहब दुर्जन सिंह जी की है, जिन्होंने उस जमाने के अंदर जब इस मंदिर के अंदर पहुंचना तक दुर्लभ था, आपने 20 वर्षों तक अपनी सेवा के माध्यम से 1976 से लगा करके 1996 तक सेवा कार्य से इस मंदिर को महानतम स्थिति तक पहुंचाया। और अब अपन जो देख रहे हैं सुंदा माता मंदिर की तलहटी का प्रमुख द्वार, और ये द्वार ऐसा लगता है जैसे कोई द्वार नहीं, हम किसी किले के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। राजस्थान में एक से एक किला है और ये राजस्थान की संस्कृति की झलक आपको सुंदा माता मंदिर में देखने को मिलती है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं ये उड़न खटोला, जहाँ से जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर पाते हैं यहाँ से टिकट लेते हैं और टिकट लेने के बाद में उड़न खटोला के माध्यम से सुंदा माता की यात्रा करते हैं। यहाँ का एक एक दृश्य हमें अपनी ओर मोहित करता है, आकर्षित करता है, भक्त को अपनी ओर लालायित करता है। इधर आप देखिए इन चट्टानों को प्रकृति ने न जाने किस प्रकार से सुंदर तरीके से इनको तराशा है, इनको गढ़ा है। शायद इंसान चाहकर भी इतना सुंदर नज़ारा प्रस्तुत नहीं कर सकता। दोनों ही पहाड़ों के बीच में से आप देखिए ये झरता हुआ झरना, 90 डिग्री के एंगल पे ये सुंदा माता के झरनों में अपनी एक शान है। और जैसे ही अपन उड़न खटोला से नीचे उतर करके आगे बढ़ते हैं, पहले ही हमको दर्शन करने को मिलते हैं ये जालीदार जो क्षेत्र है वहाँ पर माता जी का मंदिर है। माता जी का मंदिर केवल मंदिर नहीं है, यहाँ पर मैया के नवदुर्गा मैया के 9 स्वरूपों के दर्शन से ही हमारे सुंदा माता के यात्रा की शुरुआत होती है। नवदुर्गा मैया एक एक करके अपन दर्शन करते हैं और उसके पास में जो है अपन इसके नीचे, इतना ही नहीं इसके नीचे एक शानदार गुफा है और इस गुफा के अंदर महाकाली मैया, पावागढ़ वाली, आगे दो शेर और उसके बाद में महाकाली मैया के दर्शन करने को मिलते हैं। जैसे ही अपन महाकाली मैया के दर्शन करने के बाद में आगे बढ़ते हैं, दोनों तरफ आप देखिए यहाँ पर ठहरने के लिए आवास की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी धर्मशालाएं, सभी प्रकार की सुविधाएं। और अब जो अपन देख रहे हैं वो यहाँ पर ट्रस्ट के द्वारा संचालित भोजनशाला, समय भी दिया हुआ है सुबह 10 से 2, शाम को 8 से 10 बजे तक, और इससे भी बड़ी बात मात्र 10 रुपये में थाली। ये है मंदिर का आकर्षण, ये त्रिशूल जिसको देखने के लिए दूर दूर तक लोग आते हैं। और अब है ये यज्ञशाला, नवरात्रि में चित्र मास के अंदर इस यज्ञशाला के अंदर मैया के यज्ञ कुंड के अंदर आहुतियाँ दी जाती है और यहाँ से प्रारंभ होता है माता जी के मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। दोनों शेर दोनों तरफ विराजे हुए हैं। अपन जैसे ही इससे आगे बढ़ते हैं चट्टानों को काट करके मंदिर में जाने का ये रास्ता बनाया हुआ है। और जब अपन मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो ये दाहिनी तरफ कुछ प्राचीन मूर्तियों के अवशेष
और उसके साथ में कुछ नवीन भगवान शिव की शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किए हुए हैं। ये कहते हैं कि सुंदा मैया के साथ में इनकी सात सहेलियाँ विराजमान हैं, इनके भी दर्शन करने को मिलते हैं। और ये है मैया सुंदागढ़ वाली माँ चामुंडी, सबका कल्याण करे, हम इनके दर्शन करके पावन हो जाते हैं। ये है सुंदा मैया का वो विशाल भव्य मंदिर जिसकी आभा पहाड़ों के बीच में अपने आप में स्वर्ग सी अनुभूति करवाती है। यहां आने वाले भक्त मैया के चरणों के अंदर दर्शन करने के बाद में जब नीचे उतरते हैं तो यहां पर दर्शन करते हैं और ये है क्षेत्रपाल देवता। माता जी के जहां जहां भी मंदिर होते हैं वहां पर क्षेत्रपाल देवता अवश्य विराजमान होते हैं। ये वो धूप स्थली है जहां आने वाले भक्त यहां पर मैया के लिए ज्योत जलाते हैं। कहते हैं मैया तेरी ज्योत ऐसे ही जलती रहे और तेरी कृपा भक्तों पर ऐसे ही बरसती रहे। भक्त लोग जो हैं अपने कर कमलों से ज्योत को आहुति देकर के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये है वो दोहरा, और दोहरे को देखने के बाद में जब अपन रिटर्न होते हैं वापस लौटते हैं तो यहाँ रास्ते में भगवान विष्णु का मंदिर त्रिलोकीनाथ, इनके दर्शन करने को भी मिलते हैं। भगवान विष्णु के दर्शन करने के बाद में जब थोड़े आगे बढ़ते हैं बीच के अंदर हनुमान जी का भी मंदिर है, और उसके बाद में नीचे लौटते हैं। तलहटी पर लौटने के बाद में जब एक बार पुनः अपन मैया सुंदा माता के मंदिर की तरफ देखते हैं तो यहाँ के नज़ारे हमारे दिल को छू जाते हैं। लगता है प्रकृति हमें बार बार आने के लिए आमंत्रित करती है। मैया के चरणों में वंदन, बोलिए सुंदे मात की जय।